कोमल, ये हमारा क्या है, हॉस्टल। अरे मैं फोन पकड़ रही हूँ, लाओ मेरे पीछे ला दो इसको। अरे रिकॉर्ड हो गया इसमें, चलो। हेलो आंटी, हम आ गए। हेलो आंटी, नमस्ते आंटी। आंटी हम आ गए। साइन एंट्री करो चंदू। आंटी हमारा भी लीव कार्ड देखो आप, घर से आए हैं। ठीक है, बाद में बात करेंगे। तो गाइस यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है पहले। और गाइस ये देख रहे हैं ना, ये एक हॉस्टल है, ठीक है। इसमें बहुत बेकार लोग नहीं रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं। और ये है गंगा व्लॉग। अरे ये गंगा हॉस्टल है। देखो यहाँ जब तुम लोग आओगे ना, नए नए बच्चे जब, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसी में फीस वगैरह जमा करनी पड़ेगी सारी। और वैसे भी हो जाती है, यहाँ पे जाना पड़ेगा। अब रहते किधर हैं लोग गंगा वाले, इस वाले हॉस्टल में। और हम जा रहे हैं सरस्वती की तरफ, उधर वाला हॉस्टल अभी था ना, वो कब रहती है। हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये देखो ये है फर्स्ट हॉस्टल, और ये गंगा हॉस्टल। वेलकम। यहाँ पे कपड़े सुखा सकते हैं आप लोग। ये छत है गंगा हॉस्टल की। ये जंगल है हमारा, हमारा नहीं इस जंगल में। देखो एक एक करके रूम भी दिखाएंगे, चिंता मत करो बच्चों। बच्चे ही होंगे हमारे, हम लोग तो सीनियर्स हैं ना, बच्चे। इनकी पेंटिंग ही अधूरी रखी रहेगी। शट अप, आई एम डूइंग ब्लॉगिंग, डूइंग ब्लॉगिंग। ये वाला भी, ये देखो यार ये क्या है। अब आप देख रहे हैं ये कौन सा हॉस्टल है, ये त्रिवेणी है। अरे वो वाला ना कावेरी था, और इसमें ना सारी वो लड़कियां रहती हैं जो बीटेक करती हैं। सॉरी गाइस, वो वीडियो कब बंद हो गई पता ही नहीं चला, मैं तो बोलती ही रह गई। अभी मुझे ये भी नहीं पता सही कह रही हैं। ये देखो कितना सुंदर है हमारा हॉस्टल। तो यहाँ ये प्रवेश द्वार है, ये बाड़न का कार्यालय है, और ये आंगुत क्या लिया है लोगों ने। हाँ, और ये देखिए, तो अब आपको चम्मचें दिख रही होंगी, तो वो मैस है हमारा, अभी दिखाएंगे पूरा ये। सॉरी गाइस, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया, फुट भी गए म्यूजिक की वजह से। हां देखो अभी ये ना फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे थे, अब हम लोग जा रहे हैं। नहीं तो सोते हो, चाय खा लो, ये भी नहीं पता, बाहर भी नहीं जाते थे। अरे भाई देखो, गाइस पहली बार आओगे। देखो सबसे अच्छा रूम पता कौन सा है, ये देखो 134 है, ये भी बहुत अच्छा है, और 135 भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको पता है ये बैठने के लिए मिल जाएगी जगह, और ये पूरा हॉल फ्री में मिल जाएगा। और ये देखो यहाँ से व्यू कितना सुंदर लग रहा है, चेयर भी मिलेगी एक बैठने के लिए, थक और गए। घर से आने के बाद रूम की हालत देखें, देखो ऐसा रूम दिखता है, ऐसा अभी दिख रहा है क्योंकि अभी घर से आए हैं। गाइस ये कमरा बहुत छोटा लग रहा है अभी आपको, है ना, पर ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा कमरा है। इसमें सामान अभी रखा लेंगे ना, इसके क्योंकि बिखरा हुआ सामान पड़ा हुआ। थैंक यू सो मच, मेरा कैनवास दीदी इतना ही बड़ा है जिसमें मैं पेंटिंग बना रही हूँ। देखिए गाइस ऐसा कमरा दिखता है ये यहाँ से, अभी हम लोग का भी कमरा दिखाएंगे। गाइस अभी ना मस्त लेटी हुई, आते ही झाड़ू उठा ली, हमने कहा इनको हटोगी तुम, इसके सर का ही बना लो पहले। तो क्या हुआ,
हमारे सीनियर बहुत अच्छे हैं बेटा, ये तुम्हारे फोर्थ ईयर के सीनियर होंगे जब तक तुम आओगे, क्या पता निकल भी जाए तब तक, जब तक वीडियो देखो तब तक। और ये बाथरूम है देखो कितना देखो, सबसे बढ़िया यहीं का है, तुम बता रहे तुरंत ही। पर दीदी नहीं, मुझे दो आपकी बर्थडे पार्टी 136 में कर देना तुम। ये देखो हमारा हॉस्टल ऐसे लगता है, इधर से देख, ये देखो ये टीवी हॉल है, ये जो यहाँ से गेट दिख रहा है ये वाला गेट टीवी हॉल है ये। और यहाँ से आत्महत्या करने की जुगाड़ में एक लड़की, इसका नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। हाँ लिखा हुआ है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ढूंढने में। यार हम इन लोगों से ये कह रहे हैं अगर तुम्हें आना ना तो 136 रूम लेना है। 136 35 34 काफ़ी अच्छा है इधर। हाँ इधर का बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा है क्योंकि मतलब बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पे, तीन ही रूम है और तुम्हें बाथरूम मिलेगा, छत मिलेगी अलग से। अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पर टहल रहे हैं, अभी आओ ना, आओ यार दीदी आप आराम कीजिए और मैं मामला हम आपको। ये देखो गुस्सा चेहरे पर, ट्रेनिंग कैसे कर दिया जिसको, क्यों अलग कर दिया? ये ट्रेनिंग कौन सी, नीचे का ऊपर उसे पहना और नीचे पहना? नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी, यार सब लोग मुझे पहचान लेते हैं, हमें तारीफ करने लगते हैं तो मैं वहां से चली जाती हूँ फिर, मुझे ना ज्यादा तारीफ। किसकंदा है ये, यहाँ आओ, और किसकंदा, हाँ किसकंदा है यहाँ। देखो किसकंदा में चार रूम्स हैं और तुम्हें देखो इतनी सी जगह मिलेगी किसकंदा में रहने को। मेरे हिसाब से किसकंदा इतना अच्छा नहीं है। ये कौन सा, हम प्रवेश करेंगे 124 नंबर भूतिया बंगले में, भूतिया कमरे में। गाइस ये देखिए मतलब रूम इतना बड़ा है कि आपको जगह मिल जाएगी बहुत, कि आप अपना पूरा परिवार बसा सकते हैं इतने बड़े रूम में। बिखरा हुआ है वो अलग बात है। अरे बिखर बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, इसलिए बिखराते रहते हैं हर चीज। तो ये था हमारा हॉस्टल का, मतलब हमने तो ये तो आने का रास्ता बताया था, और आपको एक ये बताया कि रूम्स कैसे देखेंगे। देखिए ये यहाँ पे दो आपको अलमारी टाइप की मिल जाएंगी, इसमें आपकी रूममेट का सामान होगा, इसमें आपका सामान होगा। ये देखो इस तरह की टेबल्स मिल जाएंगी, कितनी अच्छी लग रही हैं देखो है। और एक ये है, बिखरा हुआ सामान है पर रूम बहुत अच्छा है, तभी तो थोड़ा सेट है। कट हो गया वीडियो का पता ही नहीं चला। तो हमारे चैनल को ये है कि हमारा जो चैनल है, कौन सा चैनल है, तो हंसो मत, ऐसे ही जो मन में आ गया वो हम लोगों ने रख दिया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, अच्छे कमेंट करना, और ऐसी क्या देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए। वो एक छोटा सा वर्ड हम क्या नहीं फेंक सकते हैं, हाँ तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेन मोटिव ये था, जो बच्चे आते हैं वो भटकते रहते हैं हॉस्टल के लिए कि किधर जाएं, कैसे, बहुत प्रॉब्लम होती है, हाँ, है ना, हॉस्टल भी कैसा होगा। हाँ तो यही सब सोच के हमने वीडियो, समाज सेवा का हमारा बहुत मन था तो हमने ऐसी वीडियो बना दी, और अब आगे सोच रहे थोड़ी सेवा और करेंगे। यार उसमें कोमल ये भी बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, और अच्छे से अभी तो हमने सरस्वती के रूम दिखाए हैं, अगर आप लोग और प्यार दिखाएंगे हम लोगों को तो सेवा और करेंगे। हम गंगा का भी रूम दिखाएंगे आपको, त्रिवेणी का भी दिखाएंगे, कावेरी का भी दिखाएंगे, और कोई बच्चा है बस भाई, चार ही हॉस्टल है तो चारों के रूम दिखाएंगे। पर ये कौन सा हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल में जा नहीं सकते तो वहां के नहीं दिखा सकते हैं, वरना यार हम वो भी दिखा देते पर वो अलाउ नहीं है। तो आप लोग बता सकते हैं और अगला ब्लॉग हम किस पे बनाएं, अगला ब्लॉग तो वो डॉक्यूमेंट्स बताएंगे ना इन लोगों के, अगर आप लोग को जरूरत हो तो बताना, ठीक है।
चलो ठीक है, तो फिर हमारी वीडियो आपने देखी होगी, कैसी लगी लाइक कर देना, कमेंट, बाय बाय, और काफी सारा प्यार देना अपना, कमेंट भी कर देना, पर अच्छे वाले, हाँ अच्छे वाले, प्लीज डीमोटिवेट करने की कोशिश ना करें, हम लोग नादान बच्चे हैं, गलती हो जाए तो, अगर डीमोटिवेट करेंगे भी तो हम लोग बेचने में होंगे नहीं बहुत ज्यादा, चलो ठीक है, बाय बाय।